हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ प्रोफेसर अनिकेत गरुड़, और हम लोग आज ये इन्फिनिक्स हॉट 8 का अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट ने बहुत ही जल्दी सेल कर दिया था, तकरीबन 10 मिनट में ये सेल आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। लेकिन इसके लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ की थी। अगर आप पेज को बार बार रिफ्रेश करोगे तो आपको बाय नाउ का जैसे ही ऑप्शन आएगा आप फट से क्लिक कर देना। अगर आप लकी रहे तो आपको भी ये मिल सकता है। मैंने 3 बजे 12 बजे सेल शुरू हो गया था और 3 बजे एक बार ट्राई किया तो वो हो गया। और शायद मैंने अपने मम्मी के लिए ये गिफ्ट लेने की सोची थी तो इसलिए भी शायद ये हो गया होगा। तो आइए फटाफट हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। यह बिल है, यह इन्फिनिक्स हॉट 8। भाई बॉक्स तो हॉट 8 का है। यस, इसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और हम लोग देख सकते हैं कि इसको सील भी है। इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। यस, अब ये रहा आपका फोन, ये हम इसे बाजू में रख देते हैं। चार्जर का कॉर्ड है, चार्जर है, मेड इन इंडिया का चार्जर है। और यस, 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का चार्जर है ये, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, तो 10 वाट का चार्जर है। काफ़ी अच्छा फास्ट चार्ज कर सकता है ये आपको, मतलब आपके इन्फिनिक्स को। इसका हम कभी नहीं पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, ये सिम ट्रे निकालने के लिए। ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन है, हमको ज़रूरत नहीं है इसकी। मेन 2 चीज़ें बाकी हैं। एक तो ये स्क्रैच गार्ड है, बहुत ही सादा सा स्क्रैच गार्ड है, आप कांच का बिठा सकते हैं इसके लिए। 30-40 रुपए को कांच का आता है, वैसे 50 रुपए नॉर्मल आता है। अगर आप लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे खरीदोगे तो वो आपको शायद महंगा चला जाएगा। अब ये रहा आपका फ़ोन, मैंने ये ब्लू कलर में मंगाया था। तो इसके ऊपर का हम लोग ये निकाल देते हैं, काफ़ी अच्छा चमकदार फ़ोन है, ग्लेज अच्छी है, होप आप देख पा रहे होंगे। और ये रहा यहाँ का, यस, तो ये मेरा फ़ोन नहीं है, जिनका फ़ोन है उनको हम लोग दे देते हैं। ये लो भाई, फ़ोन दे दिया है। अभी तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये काम करता है। या 4GB 64GB इसका कंपनी ने कैपेसिटी दिया है। 4GB रैम है, 64GB मेमोरी है इसका। इसमें प्रोसेसर जो है वो P22 लगा हुआ है, 100S चीता। हाय स्टार्ट, अभी तक तो सिम कार्ड नहीं डाला है कुछ भी, तो ये कनेक्ट टू वाईफाई, तब तक हम लोग सिम कार्ड भी डाल के देखते हैं।
सिम कार्ड दे एक दूसरे फोन से। ओके भाई देखो ये फोन तो शुरू हो चुका है, बहुत ही जल्द इसके फोटोग्राफ्स कैसे आते हैं, बैटरी लाइफ कैसी है और फोटोज में तो कितने अच्छे आते हैं वो हम देखेंगे। और ये जनरली मैंने गेमिंग के लिए नहीं यूज़ किया है, मेरी माँ यूज़ करने वाली है तो वो यूट्यूब के ऊपर अपने गुरु के फोटोज़ और वीडियोज़ सब देखती है और फेसबुक व्हाट्सअप ये सब चीज़ें वो यूज़ करती है, तो इसके लिए मैंने ये लिया है। तो देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच।